अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस है. व्हाट मेगा स्पोरोजेनेसिस इज? मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर टेट्राड और मेगा स्पोर्स. ठीक है, सो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. अब ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या प्रॉपर प्रोसेस कैसे फॉर्म होता है मेगा स्पोर, उसको समझते हैं. तो डायग्राम ऑलरेडी बना है तो पहले रिकॉल कर लेते हैं कि ओव्यूल का पढ़ा था हमने कि ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूसेलस होता है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, चेल्जा होता है, माइक्रोपाइल होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. अगर हम एक ओव्यूल की बात करें तो ये था न्यूसेलस जो कि डिप्लॉयड सेल्स थे. ठीक, ये न्यूसेलस था जो कि डिप्लॉयड सेल थे. ये न्यूसेलस जो है इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट थे. ये बाइटेगमिक में बना रही हूं. ठीक, और फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल जिससे कि ओव्यूल और ओवरी की वॉल से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक, तो ये जो पोर्शन था इसको मैंने बोला था कि ये इसको बोलते हैं चैलेजा, और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर था इसको बोला था माइक्रोपाइल. ठीक, इतनी बातें तो याद होनी चाहिए कि जहां पर इंटेग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता, एक पोर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. अपोजिट एंड जहां से इंटेग्यूमेंट बनना शुरू होते हैं, इसको हम बोलते हैं चेल्जा. तो अगर हम देखें तो यहाँ दो पोल देखने को मिल रहा है. एक पोल देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल, और एनदर पोल जो है जस्ट अपोजिट, उसको बोलेंगे चेल्जल पोल. इतनी बात याद होनी चाहिए. ठीक, अब हम समझते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है. तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है वो एक्चुअली यहीं पर होता है. न्यूसेलस के सेल ही आगे चल के मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं, इनमें डेवलपमेंट होता है और मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो अब चलो समझते हैं कैसे होता है. तो मैंने न्यूसेलस का ये जो सिर्फ न्यूसेलस वाले पोर्शन को बनाया है वो भी हाफ. ठीक, तो ये मान लो ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है भाई. ये सारे सेल्स मैंने बना के रखे हैं, सारे इसके सेल है न्यूसेलस के. ठीक है, ऐसे सब में न्यूक्लियस होगा, ऑल आर डिप्लॉयड सेल. अब ये न्यूसेलस यहां लिख लेते हैं, न्यूसेलस है भाई ये. हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है, द हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस, वन ऑफ दोज हाइपोडर्मल सेल, उन सारे हाइपोडर्मल सेल में से कोई एक हाइपोडर्मल सेल, एज इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां पर भी क्या हुआ था, हाइपोडर्मल सेल में से कोई एक हाइपोडर्मल सेल साइज में लार्ज होने लगा था. सेम एज हियर, एक कोई एक हाइपोडर्मल सेल जो होगा वो साइज में इनलार्ज हो जाएगा भाई, ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि सेल डिवाइड होने से पहले अपने अपने आप को प्रिपेयर करता है. ठीक है, तो सेल साइकिल याद होना चाहिए क्लास 11. तो अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो सेम एज कोई एक सेल जो होगा वो इनलार्ज होगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा. ठीक है, जो सेल साइज में इनलार्ज हो जाएगा एक अलग ही दिखने लगेगा बाकी हाइपोडर्मल सेल से, उनको हम बोलेंगे, उस सेल को हम बोलेंगे आर्चिस्पोरियल सेल. सो क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरियल सेल. तो ये जो है ये है हमारा आर्चिस्पोरियल सेल. अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये एक्चुअली में क्या है, न्यूसेलस का सेल है, और इसका प्लॉयडी क्या होगा, डिप्लॉयड, क्योंकि जितने भी न्यूसेलस के सेल्स हैं वो सभी डिप्लॉयड है, कोई अभी हैप्लॉयड नहीं है, सारे डिप्लॉयड है. तो ये दिमाग में रखना कि ये 2n है. ठीक, ये 2n है. अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है जो थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है, ये आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्लिनल डिविजन करेगा. कैसा डिविजन करेगा, पेरिक्लिनल. तो साथ के साथ लिखते चलो और अच्छे से समझ में आएगा. तो हुआ क्या भाई, सबसे पहले हुआ आर्चिस्पोरियल सेल. अब ये आर्चिस्पोरियल सेल क्या करेगा, पेरिक्लिनल डिविजन करेगा. ठीक, हाउ मेनी, ओनली वन, वन पेरिक्लिनल डिविजन करेगा. पेरिक्लिनल पैरेलल डिविजन, पेरिक्लिनल डिविजन करेगा तो दो सेल बनेंगे. ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड दो सेल बनेंगे. जो ऊपर सेल बना है दो सेल बने, फर्स्ट सेल जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी
पराइटल सेल, प्राइमरी पराइटल सेल। और जो नीचे सेल बना है इसको हम बोलेंगे सेल। तो कितने सेल बने? दो बने भाई, यहां पर भी लिख लेते हैं, दो बने प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये क्या था? 2n था, यानी इसकी प्लॉयडी क्या थी? डिप्लॉयड था। पेरिनक्लिनल डिवीजन जो था वो माइटोटिक था, और माइटोटिक डिवीजन हुआ तो भाई क्रोमोसोम एस सेट जो होता है वो सेम टू सेम जाता है नेक्स्ट सेल में, डॉटर सेल्स में। तो ये भी क्या होंगे? 2n होंगे। हमको प्राइमरी पैराइटल सेल से मतलब नहीं, हमको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से मतलब है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, हो सकता है कि एक दो डिवीजन करे, या ये भी हो सकता है कि ये एज इट इज रह जाए, तो हमको उससे मतलब नहीं है। तो देख लो भाई, यहां पर मैंने दिखा दिया कि एक दो डिवीजन करके तीन सेल्स बना लिए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर होता भी है, नहीं भी होता है, वो एज इट इज रह जाता है। हमको आगे पढ़ना है किसको? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये क्या करेंगे? ये थोड़े से मॉडिफाई होंगे क्योंकि इनको फर्दर डिविजन करना है। तो फर्दर डिविजन करने के लिए भाई थोड़ा तो चेंज आएगा इनमें, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्या करेंगे? थोड़े मॉडिफाई होंगे, अपने आप को चेंज करेंगे फॉर नेक्स्ट डिवीजन। और जब ये अपने आप को रेडी कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट डिवीजन, जब ये एकदम परफेक्टली रेडी हो जाते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। मीन्स ये वर्क करने लगते हैं एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। अभी क्या है इनकी प्लॉयडी? 2n। इतनी बात क्लियर है? अब आगे समझो। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, जो कि डिप्लॉयड नेचर का है, ये एक माइटोटिक डिवीजन करेगा। कितने? सिर्फ वन। ठीक, तो अब ये एक माइटोटिक डिवीजन करेगा, होगा भाई माइटोटिक नहीं, मियोटिक। तो अब इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, वन मियोटिक डिवीजन। ठीक, वन मियोटिक डिवीजन करेगा। तो भाई मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी कि अप्लॉयडी चेंज हो जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल क्या था? डिप्लॉयड नेचर का था, और अब जो नया सेल बनेगा, जो चार सेल बनेंगे, वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड नेचर के होंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल वन मियोटिक डिवीजन करेगा और फोर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। कितने मेगा स्पोर? 1, 2, 3 एंड 4, फोर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर मेगा स्पोर्स, दीज आर मेगा स्पोर्स। इतनी बात समझ आई? प्लॉयडी क्या होगी? एन, यानी हैप्लॉयड होंगी। चलो वापस चलते हैं। क्या हुआ था? प्राइमरी पैराइटल सेल से हमको मतलब नहीं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो थे वो एज अ मेगास्पोर मदर सेल वर्क करने लगे। अब वो मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ? डिवाइड हुआ, वन मियोटिक डिवीजन किया, फोर हैप्लॉयड सेल बने, यानी फोर मेगा स्पोर्स बने। तो ये जो है वो क्या है? मेगा स्पोर। सो These are in the linear tetrad form. एक linear tetrad का formation करते हैं इस form में। Tetrad बनता है, और इनका tetrad कैसा होता है? Linear होता है। तो हम लिख सकते हैं मेगा स्पोर tetrad, ठीक है, linear मेगा स्पोर tetrad, ठीक, linear मेगा स्पोर tetrad का formation हो गया। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक जो स्पीसीज होती हैं, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, उनमें इन चार में से तीन जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। आपको पढ़ना भी यही है, तीन जो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में क्या होता है? इन फोर में
में से तीन जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं, तो बचता कितना है, सिर्फ एक। अब क्या होगा, इनमें से तीन जो होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा, और यही एक जो होगा वो होगा फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो ये जो होगा वो होगा हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर। और एक्चुअली यही फीमेल गैमिटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। द फंक्शनल मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमिटोफाइट हम एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं, और यही वो फंक्शनल मेगा स्पोर ही है जो आगे बढ़ के एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, या एम्ब्रियो सैक अपने आप को चेंज करके एज एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट, दिस इज द फंक्शनल मेगा स्पोर। अब देखो यहाँ पर समझ लो, दीज आर क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इनको लिख सकते हैं डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स, डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर्स, ठीक, तीन डीजेनरेट हो रहे हैं। और ये जो है ये फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक, जो कि एक्चुअल में फीमेल गैमिटोफाइट का फर्स्ट सेल है। अब देखो ये अगर डीजेनरेट हो रहा है, साथ के साथ जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो साइज में इंक्रीज भी होने लग रहा है, यानी भाई अब इसको फर्दर डिवाइड होना है, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सब एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, अपने आप को रेडी कर रहा है, ठीक। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे की जो बात है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो इसलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ फटाफट। अब क्या होगा, अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यहां देखो नेक्स्ट सिस्टम साइज में इनलार्ज हो गया काफी, और क्या हुआ, ये फंक्शनल मेगा स्पोर अब याद रखना है प्लॉट नेचर का है, ठीक है, ठीक। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए इसलिए मैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड बार बार बता रही हूँ। एनसीईआरटी पूछता है कि मेगा स्पोर मदर सेल का प्लॉयडी क्या है, और एम्ब्रियो सेल की प्लॉयडी क्या है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन है, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए कि किसकी प्लॉयडी क्या है, ठीक। तो अब यहां से जो सब चीजें हैं वो हैप्लॉयड। अब क्या हुआ, ये एम्ब्रियो सैक जो है, सॉरी दो फंक्शनल मेगा स्पोर है, साइज में इनलार्ज हुआ, तो ये है हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक, हैप्लॉयड, साइज में इनलार्ज होगा। साइज में इनलार्ज होने के बाद ये क्या करेगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो क्या बनेंगे यहां पर भाई, अब यहां समझो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, और दोनों ही न्यूक्लियस जो होंगे वो दोनों पोल्स की साइड मूव करने लगेंगे। दो पोल अभी मैंने शुरू में ही समझाया, एक पोल होगा माइक्रोपाइलर और दूसरा पोल क्या होगा, चैलेजल, ठीक। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, और ये माइटोटिक डिवीजन जो होगा अगेन सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एकदम लास्ट में होगा, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म या सेल वॉल फॉर्मेशन अभी कुछ भी नहीं होगा। तो एक न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ, माइटोटिक डिवीजन किया, दो न्यूक्लियाई बने, और दोनों में से एक जो होगा वो चैलेजल की तरफ मूव करेगा, एक जो होगा माइक्रोपाइलर की तरफ। तो ये लिख मान लो चैलेजल है और ये माइक्रोपाइलर है, दो न्यूक्लियस बने, दोनों में से एक कहां गया, चैलेजल एंड की तरफ, और दूसरा कहां गया, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। देखो यही चीज हमने यहां पर बनाया है, साथ के साथ वैक्यूल और कुछ और भी चीजें, साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक। दिखा, एक यहां गया और एक यहां गया, पहला मियोटिक डिवीजन होगी, सॉरी माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब क्या होगा, नेक्स्ट फिर एक डिवीजन होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, शॉर्ट में लिख देते हैं,
सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा एम्ब्रियो सैक और बड़ा होगा, सॉरी अभी एम्ब्रियो सैक ही आप इसको कहने लगोगे, एक्चुअली में अभी बन रहा है, प्रॉपर एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, ठीक। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, एक पहले से यहां पर था, ठीक। अब ये वाला भी डिवाइड होगा और एक सेल का अगर डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन में तो दो सेल बनते हैं, यानी एक न्यूक्लियाई डिवाइड होगा तो दो बनेंगे, तो ये डिवाइड हुआ तो दो न्यूक्लियाई बने, ये डिवाइड हुआ तो दो न्यूक्लियाई बने, तो अब टोटल कितने सेल्स हो चुके हैं, फोर सेल्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, इसको मैं थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी यहां पर जो सेल थे ये दो सेल थे, एक न्यूक्लियाई सॉरी दो न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो बनाया, दूसरा वाला डिवाइड हुआ फिर दो बनाया, टोटल कितने हो गए फोर, सेम इधर भी होगा, इतनी बात समझ में आई। यहीं पर मैंने इसको स्किप कर दिया और लिख दिया F, G और H। तो F ये तो स्टेप पहले से ही था, यानी ये E वाला स्टेप है, E वाला स्टेप यहां पर देख रहे हो E बन चुका है, ये D वाला स्टेप था, ठीक, G वाला स्टेप और ये H वाला, सॉरी ये F वाला स्टेप, ये G वाला स्टेप, और अभी क्या बचा है H स्टेप बताना बाकी है। तो देखो अब H स्टेप में क्या होगा, H वाली स्टेप में क्या होगा, अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा सेल है काफी लार्ज साइज का है जिसमें फोर न्यूक्लियाई चैसल एंड पे है और फोर न्यूक्लियाई क्या है माइक्रोपेलर एंड में होंगे। अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप समझ लो, बस ऐसे ही डायग्राम उल्टा सीधा बन रहा है। अब क्या होगा, अब कोई डिवीजन नहीं होगा, अब वन न्यूक्लियस फ्रॉम दी चैसल एंड एंड वन न्यूक्लियस फ्रॉम दी माइक्रोपेलर एंड, एक न्यूक्लियस जो होगा वो चैसल पोल की तरफ से और एक न्यूक्लियस जो होगा वो माइक्रोपेलर पोल की तरफ से, दो न्यूक्लियस होगा एक इधर से, दोनों क्या होंगे सेंटर की तरफ मूव करेंगे, दोनों क्या होंगे सेंटर की तरफ मूव करेंगे, तो मान लो एक इधर से और एक इधर से सेंटर की तरफ मूव करेगा और ये सेंटर में आ जाएंगे, इन्हीं न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक, इन्हीं को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, इतनी बात क्लियर है। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जब ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है, फ्रॉम वन फ्रॉम चैसल एंड एंड वन फ्रॉम माइक्रोपेलर एंड, जब ये सेंटर में आ रहे होंगे उसी टाइम एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा होगा, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहे होंगे और साथ के साथ सेल वॉल फॉर्मेशन भी, मतलब ये सारे प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट नहीं होंगे स्टार्ट हो जाएंगे, ये काम भी होना शुरू हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो देख लो ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं अब ये फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल बना लेंगे, ये जो होंगे ये फ्यूज हो जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल और इसका प्लॉयडी क्या होगा 2n, क्योंकि यहां जितने सेल है सब nn थे, एक n इधर से और एक n इधर से, दो n मिल गए तो क्या होगा 2n, तो इसकी प्लॉयडी जो होगी वो 2n होगी और ये होगा सेकेंडरी सेल, अगर सिर्फ न्यूक्लियस होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, बाकी जो तीन बचे यहां पर, ठीक, बाकी जो तीन बचे यहां पर एट द चैसल एंड दे टेक साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म अ सेल वॉल अराउंड इट एंड नाउ दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, इनको हम क्या बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स, और जो तीन सेल यहां पर हैं, इनमें से दो जो होंगे वो फॉर्म करेंगे सिनर्गेट्स, दे आर कॉल्ड सिनर्गेट्स
एंड इसमें से एक जो होगा उसको हम बोलेंगे एग सेल या एग सेल या एग, और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं एग अपैरेटस, एग अपैरेटस। ठीक है, तो ये बहुत कूड़ा सा दिख रहा है, अब अच्छे वाले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये वाला जो था हमारा स्टेप वो एच वाला स्टेप था। ठीक, चलो इसी चीज को अब यहाँ पर डायग्राम में बहुत अच्छे से प्यार से लिख लेते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे हैं तीन सेल इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ये कौन सा एंड है? चैलजल एंड है, और ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक, दीज थ्री सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। दिस इज कॉल्ड द एग, एग सेल, एंड देयर आर टू अदर सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड सिनर्गेट्स और सिनर्गेट सेल्स। सो आई कॉल्ड इट सिनर्गेट्स। इतनी बार क्लियर है? बीच में जो होगा इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल। या इसको एक और नाम देते हैं डेफिनेटिव सेल, डेफिनेटिव सेल। एक अब इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। तो अगर बात करें तो एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक कहां से फॉर्म हुआ? इसी फंक्शनल मेगास्पोर से फॉर्म हुआ है। ठीक, तो जितने भी हैं ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, सिर्फ ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या सेकेंडरी सेल है ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो एम्ब्रियो सैक में सारे जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं एक्सेप्ट सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो भी आप कहना चाहो। अगर न्यूक्लियर सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है तो आप सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलोगे, लेकिन जब उनमें साइटोप्लाज्म में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तब आप उनको सेकेंडरी सेल बोलोगे। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा सबका फंक्शन समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में। जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं इनका कोई, ये हॉस्टोरियल नेचर के होते हैं और इनका कोई फंक्शन फिलहाल में अभी तक अपडेट में नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन या रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन और किसी भी चीज में। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये सेल एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस अगर हम बात बोले तो ये जो होते हैं ये आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जब इनसे फर्टिलाइजेशन होता है। एग सेल तो जाहिर सी बात है फीमेल गैमेट है। सिनर्गेट्स का क्या काम होता है? सिनर्गेट्स का थोड़ा बहुत काम होता है, एक्चुअली थोड़े ये इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ लो सिनर्गेट्स को। सिनर्गेट्स, देयर आर टू सिनर्गेट्स, ठीक है, दो होते हैं और ये हैप्लॉयड होते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड के साइड। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस या फिलीफॉर्म पैपली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं ये पॉलन ट्यूब को एक रास्ता देते हैं एक कि वो कैसे किस एरिया से जाएं कि वो एग तक पहुंच जाएं, क्योंकि पॉलिन ट्यूब की जो टिप होती है वहीं पर स्पर्म सेल यानी फीमेल गैमेट होता है। तो अगर पॉलिन ट्यूब कहीं इधर उधर चला जाएगा और किसी दूसरे सेल के पास चला गया तो फिर स्पर्म तो लॉस्ट हो जाता है और उसकी वियाबिलिटी भी कुछ टाइम तक होती है। तो उसको एक्चुअली में एग सेल तक पहुंचना है, और एग सेल तक पहुंचाने में सिनर्गेट्स के जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये हेल्प करते हैं कि एग्जैक्टली वो एग सेल तक पहुंचे। इसको और अच्छे समझेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा सिनर्गेट्स जो होते हैं जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से एंट्री करता है उसी टाइम इन सिनर्गेट्स से कुछ कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म क्लास स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में शायद कुछ, हाँ जेनेटिक्स या उसमें है कुछ। ठीक है, तो क्या है कि ये जो सिनर्गेट्स होते हैं इनके अंदर से कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो एक्चुअली में पॉलन ट्यूब को वे बताते हैं कि आप इस तरीके से इस तरीके से आओ। ठीक है, तो
इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, तो इसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक, और स्पर्म जब इसके अंदर आ जाता है तो ये जो सेल्स होते हैं ये स्पर्म को भी रास्ता पाथ प्रोवाइड करते हैं कि आप एग सेल तक पहुंचे, और सेकेंड स्पर्म को क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे कि वो सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचे ताकि वो उससे जाकर फ्यूज हो सके और फर्दर हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म हो सके। तो इतनी बात क्लियर है, मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आया, मेगास्पोर कैसे बना और उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो भी समझ में आ गया। ठीक, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनेशन और आगे की बातें पढ़ेंगे। थैंक यू।